हेलो गाइस, इस से यावर हसन। कैलोरीज को लेके मैंने आपसे कहा था मैं आपसे बात करूंगा। जो लोग अभी जिसने जिम ज्वाइन कराई होगा या फिर जिन्होंने जिम ज्वाइन नहीं करा है वो लोग जिम प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हो, जब आप वर्कआउट जिम जाते हो तो चाहे कितना भी अच्छा आपका ट्रेनर क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी आप डाइट क्यों ना फॉलो कर रहे हो, स्टार्टिंग के जो 2-3 मंथ्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट में एक वीक में अपने ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो लोग वर्कआउट कर चुके हैं बहुत टाइम सालों से एंड देन उसके बाद वो लोग रीस्टार्ट करते हैं तो उनकी मसल मेमोरी उनको हेल्प करती है। ये इन लोगों के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जो मसल मेमोरी पे बनाऊंगा। फिलहाल अभी जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं वर्कआउट, जिनको कुछ फैट लॉस करना है या मसल गेन करना है, ये उनके लिए है। कैलरीज कम खाना, ज्यादा खाना, डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल जो फिटनेस के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको जरूर फॉलो करना चाहिए, तभी आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज रिजल्ट्स ऐसे नहीं मिलते हैं भाई, ऐसे नहीं मिलते हैं। सबसे पहली चीज, आप जब जिम जाते हो तो पेन तो होगा आपकी बॉडी में, उस पेन को तो बेयर करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव वे में लिया करो। दूसरी चीज, जब आप जिम जाते हो तो ये जो गैप्स होते हैं इस गैप्स को ना करो। जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतनी प्रोग्रेस होगी, उतना आपका बॉडी यूज्ड होगी। डाइट को लेके मैं बात करूंगा कि जो चीट डे का एक चलन है उसको बंद करो, चीट नहीं होता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपके लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगी वो चीज, अगर आप स्टार्टिंग से डिसिप्लिन में रहोगे तो आपको आगे जाके हेल्प मिलेगी। क्योंकि हम चीट जब करते हैं तो हम अपनी ओवरऑल हफ्ते की डाइट खराब कर लेते हैं, क्योंकि आप चीट का मतलब समझते नहीं हो। चीट का मतलब ये होता है कि जब आप जो आपकी जो डाइट है ऑलरेडी जो आप ले रहे हो उसी को थोड़ा सा ऊपर करके हम लेते हैं, लेकिन चीट को लोग बाहर का जो आउट फूड, फास्ट फूड, जंक फूड होता है उसको चीट समझते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, उसको अवॉइड करो। एंड जो आपका ट्रेनर आपको करा रहा है, जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट डे में उसको परफेक्ट कर लोगे। रेंज ऑफ मोशन, पॉस्चर्स, वेट उठाने का तरीका, वर्कआउट, इनहेल एक्सहेल, ये सब में टाइम लगेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि 3-4 मंथ आपको लगते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को समझने में, आपके ट्रेनर को, आपको समझने में, आपको जिम को समझने में, और ये वो टाइम होता है जिसमें आप सीख रहे हो और ट्रांसफॉर्मेशन फिर धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। सो 30 डेज 40 डेज 45 डेज में अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ, क्योंकि आपने कभी जिंदगी में लाइफ में वर्कआउट नहीं करा है, स्टिल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उस एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करो, उस एक्सपेक्टेशन के लिए प्लानिंग करो। प्लानिंग करोगे तो आई थिंक सो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो कैलरीज के लिए मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ मैं 100% लेकर आऊंगा, उसके लिए भी मेरा चल रहा है कि आजकल मैं उसको पोस्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि कैलरी डेफिसिट सरप्लस की हजारों वीडियोस होंगी यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी, बट मैं चाह रहा था कि जो बेसिक प्रिंसिपल जो फिटनेस के हैं कि आप सबसे पहले रेगुलर रहो। रेगुलर ही नहीं रहोगे, जिम ही नहीं जाओगे, चीट करोगे तो फिर कहां से आपकी बॉडी बनेगी। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ओवर एंड आउट।